हेलो माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबको रौनक ब्लॉग 786 में। गाइस, आज मैं आप सबको फ़ोन का अनबॉक्सिंग का ब्लॉग शेयर करूंगी। मैंने ये फ़ोन परचेज किया है फ्लिपकार्ट से, और ये फ़ोन कैसा है आप लोग को दिखाती हूँ। और आज मुझे डिलीवर्ड हुआ है और बहुत जल्दी आ गया गाइस, 3-4 दिन के अंदर आ गया है। और डिलीवरी डेट था 1 तारीख को, लेकिन आज ही मुझे रिसीव हो गया है। और इसको मैं अभी ओपन करती हूँ, अनबॉक्सिंग करती हूँ, आप लोग देखिए कि कैसा है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा है। तो गाइस, मैं ओपन करती हूँ। ओपन तो पहले ही कर चुकी हूँ, क्योंकि जब वो लेके आया था डिलीवर वाला, तो उसी वक्त मुझे खोल के देखना पड़ा था। वीडियो भी की थी, क्योंकि वीडियो करना ज़रूरी होता है। आप लोग में से कोई भी अगर फ़ोन लीजिएगा तो वीडियो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रूफ रहता है। अगर कोई भी ख़राब निकल गया या कुछ निकल गया तो आप लोग क्लेम कर सकते हो। तो पहले मैंने जब डिलीवर वाला आया था, तब मैं उसको ओपन करके देख ली थी, इसलिए मेरा ओपन किया हुआ है। मैं आप सबको दिखाती हूँ कि फ़ोन मेरा कैसा है। देखिए, खोलते ही इस तरह का बॉक्स आएंगे। और ये है सैमसंग गैलेक्सी S23। देखिए, इसमें डाटा केबल दिया हुआ है, देखिए। और इसका जो चार्जर है वो नहीं दिया है। पता नहीं फ़ोन वाला आखिर ऐसा क्यों करता है कि डाटा केबल ही देता है, चार्जर वाला नहीं देता, चार्जर नहीं देता है। तो डाटा केबल ही दिया है, तो चार्जर इसका खरीदना पड़ेगा। और फ़ोन को देखिएगा, इस देखिए, ये कलर है मिंट कलर का है, और कलर मुझे बहुत पसंद आया गाइस। और ये फ़ोन है, ये फ़ोन को आईफोन 13 के साथ कंपेयर किया जाता है। आईफोन 13 जैसा है वैसे ही ये फ़ोन भी है, और फ़ोन बहुत ही अच्छा है। ये जब लॉन्च हुआ था 1.5 साल पहले, इसका प्राइस था 90,000। और अभी कितना में लिए हैं वो सब मैं तो नहीं बताऊँगी, आप लोग जाके फ्लिपकार्ट में देखो। अभी बिग बिलियंस में बहुत बहुत ज़्यादा सेल दिया है, और आप लोग देखिए। मैं नहीं बताऊंगी इसका प्राइस कितना है, आप लोग देखिए। और देखिए, मिंट कलर है, और देखिए फ़ोन भी बहुत अच्छा है, लाइट वेट है। और जैसा मेरा जो कैमरा से मैं अभी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ये मेरा आईफोन 13 है जिससे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो उसी के जैसा है, सेम उसी के जैसा साइज है। वेट हल्का वेट भी है, लाइट वेट है, अच्छा है। और हाथ में भी सेट हो जाता है। ऑन करके दिखाती हूँ, देखिए ऑन हो गया। इसको अभी मैं कुछ सेट नहीं की हूँ, आज मैं मुझे इसमें सिम कार्ड घुसाना है और सेट करके इसको चलाऊंगी। जब यूज़ करूँगी तब मुझे पता चलेगा कि ये कैसा है, आईफोन 13 अच्छा है या ये सैमसंग गैलेक्सी ये फ़ोन अच्छा है, ये उसके बाद मुझे पता चलेगा। देखिए ऑन हो गया, तो ऑन करके, ये तो मुझे उतना आता नहीं है, मैं अपनी छोटी बेटी से सब कुछ करवा लूँगी, सेट वुट करवा लूँगी उसी से, उसी को सब कुछ आता है, मुझे तो उतना कुछ आता नहीं है। तो ये मैं फर्स्ट फ़ोन परचेज की हूँ। और फ़ोन आप लोगों को कैसा लगा, और ये कलर भी कैसा है ज़रूर बताइएगा गाइस। आप लोग को बार बार मैं कह रही हूँ, ये मैं फ़ोन फ्लिपकार्ट से परचेज की हूँ, और ये बहुत सेल में दिया है। और ये 1.5 साल पहले जो लॉन्च हुआ था, तो उस वक्त इसका प्राइस था 90,000। तो अभी मैं फ्लिपकार्ट में कितना में ली हूँ, आप लोग फ्लिपकार्ट में जाओ देखो इसका कितना का ये फ़ोन है, आप लोग को पता चल जाएगा। मैं अभी नहीं बताऊँगी, आप लोग फ्लिपकार्ट में जाके देख लो। तो ये फ़ोन मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइट वेट है, अच्छा भी है। अब इससे देखती हूँ कि ब्लॉगिंग होता कि नहीं। मेरा एक फ़ोन तो है ब्लॉगिंग करने के लिए, आईफोन 13, तो मैं इसलिए ये फ़ोन ली कि इससे भी ब्लॉगिंग कर सकूँ। कभी अगर वो फ़ोन नहीं रहे हाथ में, तो इस फ़ोन से भी ब्लॉगिंग कर सकूँ, इसलिए मैं ली हूँ। और मेरे पास तो एंड्रॉयड एक फ़ोन और है, वन प्लस है, उससे ब्लॉगिंग नहीं होता है, क्योंकि उसका जो कैमरा है ख़राब हो चुका है, और फ़ोन भी मेरा ख़राब हो चुका है, तो इसलिए उस फ़ोन से कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मुझे ये फ़ोन लेना पड़ा। तो अब क्योंकि मेरा तो काम ही है ब्लॉगिंग करना, तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, तो इसीलिए मुझे दो फ़ोन का ज़रूरत है। तो वो फ़ोन से कुछ नहीं होता था, जो एंड्रॉयड फ़ोन था, तो इस फ़ोन से मैं करूँगी ब्लॉगिंग और शॉर्ट वीडियो, तो इसीलिए ये फ़ोन मैं परचेज की हूँ। तो आप लोगों को ये फ़ोन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। और ये भी बताइएगा कि मुझे सस्ता पड़ा कि महंगा पड़ा, ये भी बताइएगा आप लोग देख के। और कमेंट जरूर कीजिएगा गाइस, कमेंट करना है। तो बस मैं यही फ़ोन मैं परचेज की हूँ फ्लिपकार्ट
फ्लिपकार्ट से। आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग भी परचेज कर सकते हो, आप लोग भी ले सकते हो। मैं कोई प्रमोशन वीडियो नहीं कर रही हूँ, बस मैं जो परचेज करती हूँ आप लोग से जरूर शेयर करती हूँ, इसलिए मैं आप सबको दिखा रही हूँ। तो वैसे आप लोगों को अगर मेरा ये आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर तो खूब से खूब ज़्यादा कीजिएगा। और जो न्यू व्यूअर्स हैं तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्द से जल्द जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोज डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक है, फिर मैं आप सबसे मिलूंगी। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे देखिए गाइस, जो डिलीवरी बॉय मुझे सैमसंग का फ़ोन ला के डिलीवर कर रहा था, तो उस वक्त मैं वीडियो की थी, क्योंकि वीडियो करना ज़रूरी होता है। वीडियो नहीं करने से ये प्रूफ नहीं रहेगा, अगर बाद में ख़राब हो या कुछ डैमेज हो या कुछ हो तो क्लेम किया जाएगा वीडियो करने से। तो मैं वीडियो करके देख रही थी और ये मैं प्रूफ रखी हूँ अपने पास कि ओके बाद में मैं क्लेम कर सकूँ। और वो जो लड़का डिलीवरी बॉय था तो वो पूरा मुझे खोल के दिखा रहा था, क्योंकि ओपन तो मैं उसी वक्त कर दी थी और खोल के देखना ज़रूरी था, तो वही खोल के पूरा दिखा रहा है कि देखिए मैम कैसा है और सब कुछ ठीक है कि नहीं, डैमेज तो नहीं है कुछ भी। तो ये नहीं तो सबसे पहले मैंने पूरा फ़ोन को देखा कि कैसा है कैसा नहीं है, फ़ोन में कुछ है तो नहीं। पूरा फ़ोन को वो मुझे खोल के दिखाया और मैं भी देखी, मेरी बेटी भी इस देखी, सबको हम लोग देखे, दोनों मिलके अच्छे से देखे। उसके बाद फिर मैंने उसे पैसा दिया देखने के बाद, क्योंकि देख के फिर मैं ओपन करके देखी, फ़ोन को ऑन भी की। ऑन करके देखने के बाद तो देखी कि नहीं फ़ोन पूरा फ़ोन ठीक है। और पिछले साल मैं एक फ़ोन पिछले साल नहीं दो ढाई साल पहले मैं आईफोन 13 भी वही फ्लिपकार्ट से ही परचेज की थी, लेकिन वहाँ से लाने के बाद जब वो खोल के दिखाया था तो ठीक था, ओपन करके दिखाया था तो, लेकिन बाद में वो फिर ऑन नहीं हो रहा था। मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, मैं क्लेम भी की सब कुछ की। उसके बाद जाके फिर मैं सर्विस सेंटर गई सिलीगुड़ी, तो फिर वहाँ पर दी। वहाँ पर देने के बाद फिर वो लोग ठीक करके पूरा फ़ोन को बदल के मुझे दिया आईफोन 13। तो मुझे डर था कि ये भी फ़ोन ऐसा नहीं हो जाए, तो इसीलिए मैं पूरा फ़ोन को पहले चेक की, उसके बाद फ़ोन को मैं ली।